हनुमान नगर से देखिए भैया डैम में कितना पानी भर लगा, ठीक है, डैम में पानी पड़ा था, अब रोडों में भी कितना सीन हो रहा है ना, रोडों वाली भी आप लोगों ने क्लिप देख ली है। यहाँ चेक करो ना कैसे हो रहा है पानी, एकदम ऐसे उबल रहा है, अगर वहाँ देखो गाजी गाज हो गया, बहुत तगड़ा सीन हो रहा है, अगर ना गलती से भी कोई गिर गया ना भैया उसका बचना आज मुश्किल है। देखो ना यार इतना पानी, यार मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ डैम में इतना पानी बड़ा हुआ, तो आप भी बताना कमेंट्स में, आपने इससे पहले भी काफ़ी पानी देखा ही नहीं देखा, उधर लोग बैठे पड़े भैया, सारे के सारे जो बैठे पड़े ना इधर नीचे, उधर तो आपके ऊपर टूरिस्ट हैं बड़े, जो नीचे बैठे पड़े ना सारे के सारे आपके मछुआरे हैं। चलो तो इस भाई की तरफ से फाइनली पार्टी है आज, तो आइसक्रीम खाते हैं और भी चलते हैं मजे से भाई, पास आओ ना भाई को दिखाओ। अभी डैम में कुछ नया बनना है भाई, देखो कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को बताया तो बताओ कमेंट्स में क्या बनना होगा यहाँ पे। तो भैया फाइनली अभी फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है एंड अभी सौरभ जोशी की एंट्री हो चुकी है, देखो रेड थार आ रही है ना, बट अभी हम जा रहे हैं और सौरभ जोशी भी आ रहा है। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपका भाई भी बिल्कुल बढ़िया। तो फिलहाल यार आज का ब्लॉग भी आपके भाई ने स्टार्ट कर ही दिया है फिर, तो भैया आज का ब्लॉग जस्ट अभी शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है और आज का सीधू ऐसा ना, तो अभी आपका भाई यहाँ से जा रहा है भैया यहाँ से गुलरभोट डैम, जो कि आपने मेरे ब्लॉग में कई बार देख लिया, बट आज थोड़ा हम आपको अलग दिखाने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता ना इस टाइम ना बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश के सीजन में ना हर जगह ना मतलब कहर मचा पड़ा है, इसको कहते हैं बहुत तगड़ा वाला गदर, तो वो मचा पड़ा है, तो हम सोच रहे हैं ऐसे डैम जाए जाए मस्त करके, और वहाँ ना कह रहे कि बहुत ही तगड़ा पानी आ रहा है, मतलब जो ब्रिज है ना आप लोग ने मेरे ब्लॉग में देखी है वहाँ से ऊपर ऊपर से पानी निकल रहा है, मतलब बहुत ही तगड़ा सीन हुआ पड़ा है। और ना बाजपुर की रोड है तो ऐसी ब्लॉक हुई है ना, बाजपुर की जो रोड है ना वहाँ ना घुटनों के बराबर पानी आ रहा है, सच बता रहा हूँ। तो मैं आपको एक बार छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ बाजपुर की, तो ये देख लो आप क्लिप, ठीक है। तो भैया आप लोग ने क्लिप देख लिया, अब तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बाजपुर में पानी चल रहा है, और सोचो कि बाजपुर में इतना बुरा हाल हो रहा है, तो भैया अपन के इधर गुलरभोट डैम में कितना बुरा हाल हुआ होगा, जहाँ की पानी पानी है भैया, बहुत ही ज़्यादा पानी है, तो वहाँ तूफान में आ रखा पानी, मतलब बहुत ही तगड़ा पानी आ रखा, और मैंने ना आज चश्मा पहन रखा है, तो आप लोग कह रहे हैं चश्मा क्यों पहन रखा है, तो भैया मेरा चश्मा पहनने का रीज़न है कि आपके भाई के ना आँखों में आई फ्लू हो चुका है, तो ये चेक करो आप, आँखें एकदम लाल लाल हुई पड़ी होंगी ना, आँखों में आई फ्लू हो चुका है, तो चक्कर से मैंने चश्मा पहन रखा है, एक्चुअली मैं सो रहा हूँ ना कि मुझे तो हो गया और मेरे से अब किसी और को ना करके मैंने चश्मा पहन लिया है, तो भैया दूसरों की सेफ्टी अपने हाथों में, तो चलते हैं फिर अब डैम की तरफ, गुलरभोट डैम, अपने साथ एक दो दोस्त भी आ रहे हैं, दिखा देंगे आप लोगों को कौन कौन आ रहा है, तो चलते हैं फिर बिना देरी करो, और मौसम अभी धूप आ रही तगड़ी वाली, मतलब क्या ही पता है फुल गदर सीज होने वाला है, चलते हैं फिर ऐसे डैम और देखते हैं कैसे वहाँ पे का पानी आ रखा तगड़ा, ठीक है, पानी दिखाने जा रहा हूँ, बहुत उफान में आ रखा पानी, मतलब गहरी मत रखा है, सही बता रहा हूँ, चलते फिर। तो भैया निकालते हैं अपनी फटाफट से ब्लैक पैंथर को और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, डैम की तरफ, तो चाबी लग चुकी है अपने ब्लैक पैंथर में, निकलते हैं फिर। फाइनली अभी अपन लोग पहुँच चुके हैं मोहली जंगल एंड ना, अभी हम हिमंत भाई का वेट कर रहे हैं, उसका कॉल आया कि मैं भी डैम चल रहा हूँ, तो उसको थोड़ा बहुत फोटो शूट वगैरह करना है, तो अभी अपना कैमरा वगैरह लेके आ रहा है, तो अभी जा रहे हैं, हिमंत भाई भी आ रहा है, तो उसका वेट कर रहे फिर निकलते हैं, हमारे साथ यू भाई, मंकू भाई और रुद्र भाई, चले फिर लौंडो, मजा आ जाने वाला वाला है, मंकू भाई की भी आज आई फ्लू हुआ पड़ा है, चेक कर सकते हैं भाई की हालत ख़राब है, यू भाई बच गए, बस अपन को भी आई फ्लू हो गया है, तो हमारे हिमंत भाई भी आ चुके हैं, चेक करो स्कूटी से आ रहे भैया, बिल्कुल चेक कर मुंडे आंदे डोले चेक कर, चले एक उसमें आ जाओ बैठ, बीच में नहीं बैठता मंकू तो पता ही बचपन से आदत, चलते हैं फिर भाई लोगों। तो भैया जी फाइनली भी हम डैम के रास्ते पहुंच चुके हैं, जो कच्चा वाला रास्ता है ना, तो वाले रास्ते पहुंच चुके हैं फाइनली, तो अभी चलते हैं डैम की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या सीन है, ठीक है, अभी का चलते हैं फिर, और बाकी देखो इधर ना गाय भैंस भी चराते हैं लोग, गाय भैंस चल रही हैं, चरवाहा आते हैं इधर गाय भैंस चराने, एक्चुअली ना घास बहुत बढ़िया और यहाँ पे, तो चलते हैं डैम की तरफ, हमारे राहुल भाई हमारी गाड़ी कर रहे हैं ड्राइव, चलते फिर डैम एंड ऊपर चल के मिलते हैं आपसे, ऊपर का कैसे दिखाते हैं फिर आपको। ऐसा आज आप डैम के पानी का कलर देख सकते हैं कितना गंदा हो गया पानी, बट आप जो पहले देखते होंगे ना पूरा ब्लू ब्लू रहता था, बट पूरी बोर भी इसमें मिक्स हो गई ना, तो भैया पूरा का पूरा पानी एकदम गंदा हो चुका है, देखो आप लोग पूरा पानी गंदा हो गया भैया, मतलब पहले मस्त दिखता था ब्लू ब्लू, अब देखते हैं कि मेन सीन जो डैम में ना, ओ भाई पानी चल रहा है भाई अभी फुल, और जैसे पानी पड़ा ना लोग भी काफ़ी संख्या में आए हैं देखने के लिए, अरे भाई वहाँ देख कितनी भीड़ लगी पड़ी है, पानी पड़ने का फ़ायदा तो हुआ भाई, कुछ भीड़ बहुत लगी, गाड़ी लगाते रहो अंदर कर देना अंदर एकदम, क्योंकि आप लोगों को पता है डैम में ना गाड़ियाँ भी बहुत जल्दी चूचा रही है, अरे अरे नीचे नहीं, यहीं यहीं यहीं, अब कितनी लोग आ रखे देखे, पानी बढ़ गया ना, पानी बढ़ने के कारण बहुत ही लोग आए भैया इधर पानी देखने के लिए, पहले नहीं आते थे इतने, भीड़ देख रहे हो कितनी उड़ गई आज, मैं कहता रहा हूँ उधर देखो ना उधर उधर कितने लोग देख रहे हैं पानी,
अरे बैं बढ़ रखा पानी तो। बढ़ रखा तभी तो कह रहा हूँ तो नीचे की तरफ बढ़ा रहा। अबे बहुत पानी बढ़ रखा भाई, वहाँ देख ऊपर देखना पानी ऊपर से दिख रहा है कितना बढ़ रखा है। पहले से इतने लोग नहीं आते थे, यहाँ से देखो एकदम चींटियों की तरह लोग दिख रहे हैं। बहुत ही बढ़ गई भाई जनसंख्या। पानी बढ़ने से मतलब डैम में एक तो फायदा हुआ है, मच्छी मार रहे हैं, मच्छी मारने की अनुमति मिल गई यहाँ पे। सच बता यहाँ से लोग देखो मच्छी मार के लिए आ रहे हैं भैया, दबाव दब दबाव दब तभी भीड़ लगी, मछुआरों की भीड़ लगी मतलब ये वगैरह टूरिस्ट की। अरे क्या हो गया उनको बड़ी देर में याद आई क्या बात यार। अरे अपना वो भी लेके आओ कैमरा, कहाँ खींचेंगे। चलो भैया कैमरा भी आ गया फोटो वोटो खींचने के लिए। पहन ले इसको, पहन ले बढ़िया, तो फोटो शूट हो जाएगा तेरा। अगर यहाँ से वो वहाँ खड़े रहेंगे तो यहाँ से कैमरे की फोटो आ जाएगी, जो वहाँ लोग खड़े हैं वो भाई साहब चेक करो आप पानी कितना पानी बढ़ रहा है। मैं आपसे कह रहा था ना कि पानी बहुत तगड़ा हो रखा है, बढ़ना अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया, मतलब कल तक ना बहुत पानी हुआ था भैया डैम में ना, एकदम तगड़ा वाला सीन हो गया था सच बता रहा हूँ। मच्छी मार रहे हो तो नहाएंगे क्या यार, इधर पानी भी बहुत स्पीड में जा रहा है ना, क्या पता बग जाए, बहुत तगड़ा पानी हो रखा भाई बारिश से पूरी। चलते हैं फिर अब डैम में भाई, भीड़ दिखाऊं मैं आप लोगों को, भीड़ दिखाता हूँ। ये देखो डैम की भीड़ देखो भाई सब, कितने सारे लोग आ रखे मतलब ना क्या ही बताएं, फुल क्रेज हो रखा है डैम में। देखो ना यार इतना पानी, यार मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ डैम में इतना पानी बढ़ा हुआ, तो आप भी बताना कमेंट्स में, आपने इससे पहले भी काफ़ी पानी देखा नहीं देखा। उधर लोग बैठे पड़े भैया, सारे के सारे जो बैठे पड़े ना इधर नीचे, उधर तो आपके ऊपर टूरिस्ट हैं बड़े, जो नीचे बैठे पड़े ना सारे के सारे आपके मछुआरे हैं, जो कि भैया उधर मच्छी मार रहे हैं। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, उधर मच्छी वगैरह मार रहे हैं भाई साहब कितने तगड़ा, और यहाँ पे हिम्मत आई अपने फोटो वगैरह खींच रहे हैं। सच बता रहा हूँ क्या व्यू है भाई यहाँ का, मज़ा आ गया। इतना पानी डैम में पहली बार बढ़ रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है भैया, इधर से ज़्यादा पानी बढ़ गया ना कुछ भी हो सकता है। अब ये प्रकृति की सुंदरता निहारते हुए भैया, हमारे मैंगो भाई भी आज से ब्लॉग बनाने लग गए हैं। पानी बढ़ा है। अरे मंगू भाई अपने ब्लॉग चैनल का नाम बता दो एक बार यार। मंकू ब्लॉग, मंकू ब्लॉग करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मंकू भाई भी हमारे ब्लॉगिंग करने लग गए हैं। अरे हमारे दो सदस्य कहाँ गए, हमारे साथ यूवी भाई और रुद्र भाई आए थे तो गायब भी हो गए। और आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही क्लियर, कमेंट में बताओ क्योंकि भैया भाई साहब बीच में चेक करो, आप बीच में चेक करो भाई साहब, यहाँ चेक करो ना कैसे हो रहा है पानी, एकदम ऐसे उबल रहा है। अगर वहाँ देखो गाजी गाज हो गया, बहुत तगड़ा सीन हो रहा है, अगर ना गलती से भी कोई गिर गया ना भैया उसका बचना आज मुश्किल है, क्योंकि ऐसे भड़क रहा है ना पानी, उड़बड़ उड़बड़ कर रहा है एकदम, गाजी गाज हो गया, बहुत तगड़ा सीन हो रहा है भाई साहब। मतलब ना यहाँ पे अगर आप आओ ना पूरी सेफ्टी के साथ आओ, मतलब ये चल रहे हैं देख लेते हैं जैसे भी रहता है, मतलब नीचे काफ़ी ऑडियंस काफ़ी भीड़ भी है नीचे, एंड चेक कराते हैं अभी यहाँ पे डैम का व्यू भाई, बहुत पानी है आज और नीचे चींटियों के बराबर भीड़ है। अरे वो कहाँ गए, वो आ रहे हैं, वो दो जनों हमारे ये ऐसे खो जा रहे हैं, देखो ये भाई नीचे को आने में डर रहे हैं क्या लोग। भाई डैम में कितना पानी बढ़ा है, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भैया डैम में कितना पानी बढ़ लगा, ठीक है। डैम में पानी बढ़ा तो अब रोडों में भी कितना सीन हो रखा है ना, रोडों वाली भी आप लोगों ने क्लिप देख ली है, बट अब डैम की भी एक बार देख लीजिए कैसे क्लिप है भैया, डैम का बहुत तगड़ा सीन हो रखा है। यहाँ तक पानी आ गया देखो इतने ऊपर तक, बाकी इतने ऊपर तक अभी पानी आया नहीं आज तक, और वो जी नीचे वो जो है ना पोल जैसे वो जो पिलर जैसे हैं वो तो पूरे डूब गए भैया इसमें पानी में। अबे तू एक काम कर दे यार, तू मेरा कैमरा पकड़ के मेरी ब्लॉगिंग कर दे भाई यार, ऐसे मतलब ना ऐसे करके मैं चलते रहूँगा है। और वहाँ देखो मच्छी मार रहे हैं लोग, मच्छी गई तगड़ी तगड़ी फंस रही होंगी इसमें, ये पानी की स्पीड मारा ना मछली तो क्या ही फंस रही होंगी, बहुत तगड़ी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस रही होंगी आज, कैसी भी मछली फंस सकते हो आज आप आज इसमें। स्लोमो बना रहे हो क्या, नहाएगा ना इसमें, जो नहाएगा वो पहली बार नहाएगा जिंदगी में, मतलब जिंदगी का लास्ट नहाना होगा उसका, सच बता रहा हूँ। तैरने वाला भी नहीं तैर पाएगा गाइस आज इसमें, मैं सच बता रहा हूँ, भयंकर पूरा घूम घूम के पानी ना अंदर ही घुस जाएगा है। कैसी फोटो, तिरछी वाली, एक साइड डैम लेना है क्या, वाइड एंगल में लूँगा नीचे जाना, तो भीड़ तो देखिए देख के आते हैं एक बार।
चलो नहीं चल रहे, मच्छी लेके आते हैं यार, मच्छी तो मिली रही है वहाँ, आल आउट मच्छी ले आते हैं। तो वहाँ सारे के सारे मछुआरे लगे पड़े हैं, तो अपन मच्छी लोग लेके आते हैं, मच्छी लेके आते हैं ठीक है। आज यार जाम में ना पानी आया तो भैया लोग भी काफ़ी आ गए हैं, तो हम लोगों के लोकल के लोगों के लिए चलने के लिए इन लोगों ने झगुनी छोड़ी हुई है, तगड़ा सीन हो रखा है। अब उधर देख रहा, नीचे का कुछ कहना नहीं आ रहा है, मछली फंस रही भी होंगी इसमें, फंस रही होंगी ना, रहेगी आ रही होंगी ना, बड़ी बड़ी फंसली होंगी। मजा आ गया भैया, अरे इनको मना नहीं कर रहे हैं यार मच्छी मारने के लिए, इधर डैम में तो मना करते हैं मच्छी मारने के लिए यार, देखो पूरा के पूरे मछली मार रहे हैं इधर है, बोतल जाएंगी कहाँ, वो यही घूमे रह जा रही है। अरे मंकू भाई जा रहे हैं ऊपर और इनके यहाँ से फोटो ली जाएगी, अरे मेरी ले दें यहाँ से यार फोटो ले दें यार, परामा फोटो कहाँ, फोटो लेने लेकर आप देखो मंकू वो जा रहा है, वो जा रहा है मंकू सीढ़ी से ऊपर को, और अब मंकू की फोटो यहाँ से खींचेंगे ऊपर तक, तो ये चले गया मंकू ऊपर ही खड़ा है देखो अपना, और ये फोटो खींच रही है इसकी। अभी ना फोटो वगैरह खींच लिए, मजा आ गया भैया कैमरे से, यहाँ कुछ तो फायदा हुआ हेमंत भाई के साथ, फोटो वगैरह खींच लिए फ्री में कैमरे से। बाकी आप लोगों को बता भैया कैमरे का रेंट कितना एक दिन का, कम से कम 500-600 रुपए एक दिन का जाता है भैया, बट हमें फ्री में खींच गया, और यू भाई ने भी ले लिया हमारा चश्मा, तो यू वी भाई खींचेंगे फोटो चश्मे में ठीक है, तो हम देख के आते हैं कैसे आई फोटो इसमें। फाइनली फोटो शूट भी हो गया, दूसरी जगह में चलते हैं फोटो शूट करते हैं, और डैम का पानी तो आपने देखा कितना उफान में आ रखा, तो हमने सोचा कि आज आप लोगों को भैया डैम दिखा जाए मजे से, हालांकि पर ये भी आप चेक कर सकते हैं ऊपर ना, और सारा मोड चेक कर लेना, ऊपर भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नीचे भी नहीं होना, यहाँ पे लेना ठीक है, यहाँ पे चलो भैया। अब कैमरा मास्टर का फोटो शूट किया जाएगा यहाँ पे मंकू भाई के द्वारा, तो कैसा लगा आप आगे आपको आज? बहुत बढ़िया, मजा है ना? बहुत मजा आया। रुद्र भाई कैसा लगा, मतलब फायदा हुआ कुछ आगे? फायदा नहीं हुआ, फोटो तो खींची तभी तो कह रहा हूँ, राहुल भाई का मफर देता, राहुल भाई का मफर भी हो रही है। एडा भी आप चेक कर सकते हैं कि मंकू भाई यहाँ पे फोटो वगैरह ले रहे हैं भाई की, और हाँ अरे इसको रखे चलते हैं ब्लॉग बनते रहेगा 24 घंटे, इधर को है ना देख रहे, इसको रखे चलते 24 घंटे ब्लॉग बनते रहेगा। तो गाइस हम फोन को ही रख के आते हैं, आप लोग आओगे तो उसमें व्लॉग एडिट करके ना अपलोड भी कर देना ठीक है, और जो अपलोड करेगा अपलोड करने के बाद यही रख देना, फिर हम ले आएंगे दोबारा, हमारी ऐसी जनता बढ़ती रहेगी ना। अरे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो फिर अब कोई बंदा आएगा तो उसको फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करना, उसके बाद ये बैठ के ना बैठने के जहाँ राहुल भाई बैठे हमारे यहाँ बैठ के एडिट करके बढ़िया करके अपलोड करने के लिए डाल देना। भैया चलो अब जा रहे हैं भैया ऊपर की तरफ, नीचे से तो हमने आप लोगों को दिखाई दिया है, और लोग भी हमने आप लोगों को दिखाई दिए ठीक है, तो ऊपर के चल अब चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है ऊपर, तो पानी नहीं होगा वैसे अभी यार, वही तो कह रहा हूँ पानी नीचे ही था जितना था आप लोगों ने देख लिया है, वैसे उसके उस साइड है पानी, इस साइड नहीं होगा मतलब, ये मतलब ठीक है चलते हैं अब। चलो फिर भाई लोग अब आगे की तरफ जाते हैं, और अब देखते हैं आगे का कैसे बना ठीक है, नीचे का तो हमने आप लोगों को दिखाई दिया पानी का, तो अभी आगे चलते हैं। रुद्र भाई हर चारों तरफ का दिखाओ ना, सब चीज दिखाओ, एक एक चीज में छोड़ो, सब कुछ दिखाया ना, मैं दिखाता हूं वहां क्या दिखाओगे, वहां तो लोग देखेंगे, वहां लोगों को दिखाओ, सबको दिखाओ, फिर दिखाता हूं ना, सीधी सीधे करके दिखाओ ना, मतलब सही लग रहा है ऐसे, मतलब हां मतलब इसको टेढ़ा मत करना ऐसे, मतलब सीधे करना मामू, ये सच्ची दिख रहा है ना, हां सबको दिख रहा है, कुछ छूटा तो नहीं ना, कैमरामैन बन जाता हूं वहां से तेरा मैं, फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा रे जा, यार तू कुछ पता कुछ छूट तो नहीं रहा है आगे पीछे, कुछ नहीं कुछ आ रहा है, सब दिख रहा है, कुछ नहीं छूटा सब दिखाया, ठीक है हां यू भाई को दिखा दो, यू भाई कैसे करे पोस्ट देंगे,
यू भाई एक फोटो जाए, यू भाई की एक फोटो जाए, खड़ रहा जी मिंटू सब उसमें छोड़ ला चल। लेकिन एक सेकंड तुझे देखा तो ये जाना सनम। चलो यार अब चांदी पानी में चलने एक चक्कर यार। तुम्हारा एक वो भी है ना इंस्टा में वो पेज, मैंने तो वहाँ देखा था, क्या पेज का नाम बता दो। उसमें मतलब नेचुरल फोटोज भी डालते हो, तो आप लोग भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं हेमंत फोटोग्राफी करके ना, ठीक है। लिंक नहीं आएगा ना प्रामा, मैं वैसा आ जाएगा बट आईडी बता देंगे, आईडी साइड में मेंशन कर देंगे, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना भाई कैसे फोटो डालते हैं, ठीक है जरूर से चेकआउट करना फिर। और यू भाई का भी एक चैनल है, यू भाई आपका क्या है, वो ऑनलाइन भी जाएगा। आ जाओ आ जाओ पास दिखाओ भाई को, भाई खिला रहा हूँ भाई की तरफ से आज पार्टी है। चलो तो गाइस भाई की तरफ से फाइनली पार्टी है आज, तो आइसक्रीम खाते हैं और फिर चलते हैं मजे से भाई। थोड़ा पास आओ ना भाई को दिखाओ, चॉकोबार सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। ट्वेंटी में कौन से फ्लेवर पड़े, ना ना मैंगो नहीं, ये मावा कितने का है, 15 वो दे दो हमें चॉकोबार। अरे चॉकोबार मजा आता है गाइस यार, तो हमने चॉकोबार निकाल ली भाई ने, एक अपनी तरफ से दो। चलो चलो यूवी भाई ले भाई, सारी खाएंगे यूवी भाई। चलो तो भैया फाइनली ये रहा आइसक्रीम के, आइसक्रीम मिल गया फाइनली, मजा आ गया ठीक है। अगर भाई को सपोर्ट करना, आइसक्रीम खिला रहा है भाई। ओ गिर गया भाई, बच गया बच गया। सरुद्र भाई का फोटो शूट चल रहा है, अभी हम इसकी फोटो खराब करने जा रहे हैं। कैसे इसकी फोटो खेद दो यार एक दो, कमेंट्स में बताओ भैया। अभी आप रील भी देखना, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करा तो मजा आ जाएगा। हाँ खंबे के यहाँ पे ऐसा ही कह रहे हैं, यूवी की भी खेसा यार, यूवी बाबा को छोड़ दो तुमने यार, ये भी ब्रामा है। कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली गाइस अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। चैट नहीं दिखाऊंगा यार, डर क्यों रहा है? चैट दिखा दे मैं डर। आज आपके भाई का मीटअप हो गया बहुत तगड़ा, तो भीड़ काफी तगड़ी हो गई यहाँ पे, जो आप चेक कर सकते हैं। चटपटा जाना भी आपके यहाँ पे ब्लू मिलेगा, चढ़ना अच्छा ना, चलते फिर फोटो वगैरह भी बहुत तगड़ी खींच ली है। यहाँ देखो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लौंडे जोर शोरों से, और ये हम लौंडे घूम रहे हैं। अभी डाम में कुछ नया बन रहा है भाई, देखो कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को बताया तो बताओ कमेंट्स में क्या बनना होगा यहाँ पे, उसके बाद हम बताएंगे क्या बनने वाला, ठीक है। 10 रुपये के घोड़े हैं, नहीं नहीं घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी खेलोगे? घोड़ा घोड़ी खेलने वाला है बेटे, है भैया घोड़ा घोड़ी, नहीं घोड़ा घोड़ी खिला देने को यार लौंडों को, खिला दे दे। अच्छा अच्छा घोड़ा घोड़ी इसको ब्लॉग में लेना, ब्लॉग में ले लिया इसको, नाम है लाली प्रसाद, लाली प्रसाद भाई हमारा, घोड़े को खच्चर को उसने घोड़ा बना रखा है। ठीक कर लो तुम, कर लो फ्री में कर लिया भैया जी। फिलहाल अभी भैया यहाँ पे देख सकते कैमरा यहाँ पे फिट करा जा रहा है फोटो शूट करने के लिए, एक्चुअली मंकू भाई के हाथ बहुत हिल रहे हैं। तो भैया फाइनली अभी फोटो शूट कम्प्लीट हो चुका है, एंड अभी सौरभ जोशी की एंट्री हो रही है, देखो रेड थार आ रही है ना, बट अभी हम जा रहे हैं और सौरभ जोशी भी आ रहा है। भाई असली में वही तो नहीं है, वो नहीं है यार, ना वही है भाई, नंबर ही नहीं है, नंबर ही तोड़ दिया उसने, वो कह रहा है मेरी गाड़ी का नंबर लीक हो जा रहा है बार बार, नंबर ही तोड़ देता हूँ कह रहा है सौरभ जोशी। है चलते हैं फिर, चलते फिर बने रहना वीडियो के साथ। हमारा कैमरा मैन कहाँ गया, आओ कैमरा पकड़ ले यार, सब चेक करो आप। क्या हुआ सही भाई, भाई चेक कर मुंडे अंदर डोले, चेक कर मुंडे अंदर डोला, चेक कर।
गलत करते हैं यार, गलत आदमी है। तो गाइस यहाँ के आपको यहाँ वैकेंसी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। वैकेंसी है डाम का 5-star होटल माना जाता है, चेक कर सकते हैं आप। ताज होटल डैम का चेक करो फिर भाई। सेफ था राल भाई, आपको पता था क्या एक जो ताज की चैन है ना, वो ताज की चैन यहाँ भी एक ताज लाइट है। बट ये बट कोई नहीं, आप लोग का अगर यहाँ आना है तो आप मुझसे संपर्क करके यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल वैकेंसी फुल चल रही है। सैलरी मंकू भाई को बताया, सैलरी मंकू भाई कितनी है? सैलरी तो 25,000 कह रहे हैं। गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। अभी ये लाइट है ना तो अभी इसमें थोड़ा बहुत कम चल रहा है मामला। एक्सपीरियंस वालों को 25,000 कह रहे हैं भाई, एंड वैसे 10,000 है ना एक्सपीरियंस वालों ने। अच्छा भाई, जैसे जाएंगे तो 10,000। ठीक है ठीक है, ओके। बहुत भीड़ लगा है डैम में, क्रेज देख चेक कर सकते हैं। हमारा मीटअप हो गया था बहुत तगड़ा, इस वजह से भीड़ हुई है। बट अभी हम जा रहे हैं ना, कुछ नहीं रेस नहीं, क्योंकि अभी हमने मना कर दिया, कुछ नहीं कर। ठीक है चलते हैं। तो आप लोग पानी चेक कर सकते हैं भाई, कितना तगड़ा पानी यहाँ पे चल रहा है, और सीन भी बहुत तगड़ा आ रहा है। वैसे भी बहुत तगड़ा वाला भैया चलो चलो दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सब लोग चले गए हैं। तो यहाँ भी चल रहे हैं एक बार, यहाँ भी मस्त आएगा व्यू। एक चक्कर चल रहे, अभी वो आया नहीं है ना, पीछे ही है वो। ए यहाँ पे चल रहे हैं यार, प्रमा यार यहाँ पे से मेरे को कुछ दिखाना है, तो भाई यहाँ पे चलते हैं। तो भाई इसमें आपको अलग जगह जा रहा हूँ एक बार, आपके यहाँ से ना पानी का जो लेवल है ना वो मैं आपको चेक करा दूँ स्टूडियो में जाके, कितना पानी का लेवल बढ़ चुका करके। सब भाई लोग चले गए हैं, बट मैं अभी स्टूडियो में जाके अकेले हिम्मत कर रहा हूँ कि आप लोगों को यार ये तो बंद कर देना, ताला लगा दें यहाँ पे। ये चेक करो यहाँ पे से ना, इतना लेवल बढ़ गया, पूरी की पूरी सीढ़ियाँ डूब गई हैं और पानी फुल फुल बढ़ गया, फुल देखो डैम बैराज भी पूरा डूबने वाला है। नहीं गाइस चलते हैं फिर, आज तो ताला लगा दिया, अन्य क्या करें, बट कभी और तो खुलेगा ही, हम तब दिखा देंगे आपको कहीं दिक्कत आ रही क्या। तब चलते हैं यार, सब लौटे निकल गए हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी लौंडो के पास ही है। लौटे गाड़ी निकल के लेके निकल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी, सच बता रहा हूँ। चलते हैं फिर, और आई फ्लू भी हो रहा है। चलो यूपी ब्राह्मण ने पहली गड्डी निकाल ली है, निकलते हैं फिर फटाफट से, और अब देखते हैं कि कैसे नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मजा आ गया ना मंकू भाई, मजा आया। अब मैं बीच में नहीं बैठता हूँ यार, मुझे उल्टी होती है भाई बीच में। लग जाएगी लगा वहाँ पे लगाना, रुद्रे चाबी निकाल ली रुद्र ब्राह्मण ने। अरे यहाँ पे फोटो मार लेते हैं, रुक जाओ यार, फिर चल रहे साथ, चल रहे फोटो मार लेते हैं। अरे कोई फोटो नहीं मार रहे हैं यार, रुक जाना यार, यार की करता यार, चले गया ना आज होके यार, ये भी नीचे निकल गया। चले चले गया यू भी फोटो मार ले। अबे चाबी तो उसके हाथ में ही, कहाँ जाएगा वो। अरे यार तू यार उधर यार पक्षी करता यार, वो चले गया नाराज हो गया। चलो फिर आओ नीचे तक, आओ फिर वही बंद करके आ रहे हैं, वो ये भी चले गया है यार बेचारा, क्या करें, चले गया। देखो वो देख चौड़ा कितना हो रहा है, ये भी देख बिल्कुल ऐसे चौड़ा हो रहा है, बिल्कुल चेक कर कह रहा है डोले चौड़े मित्रा दी जाग चेक कर कह रहा है, यू भी इतना चौड़ा हो रहा है ऐसे। तो गाइस आज हमारे यूवी भाई नाराज हो चुके हैं, नाराज होकर निकल गया आगे आगे प्रामा, उसको अब बनाना पड़ेगा, आगे निकल गया बहुत ज़्यादा, वो उधर पहुंच गया उधर, बिल्कुल गाड़ी देखकर चले गया, चाबी चाबी दिखा चाबी इसके पास है और वो आगे चले गया खाली गाड़ी लेके, समझ रहे हो कैसा सीन हुआ। यू भाई का मन कर रहा था गाड़ी चलाने का, उधर भाई ने चाबी निकाल ली तो वो गुस्सा होकर निकल गया, गिरा नहीं गिराता नहीं यार निकल जाता है। चला तो यार ठीक किया प्रामा, दिक्कत कहीं की आ रही है, अभी वहाँ रुका होगा पक्का, कहीं ना कहीं दिख भी नहीं यार अब तो। कहाँ बहस की राम इतने जोर पका है डबर यार, बिना चाबी के चले गया है कि नहीं जाएगा बिना चाबी के भैया, यू भी है वो। थोड़ा सेविंग वगैरह भी कराई ना तो थोड़ा अलग ही लग रहा, तो अब मैं सोच रहा हूँ ना इस ब्लॉग में भी एंड कर लेते हैं, क्योंकि आप आगे ज़्यादा होने नहीं वाला ब्लॉग खास, और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो चुका है, लंबा जिसको कहते हैं एकदम लंबा वाला ब्लॉग हो चुका है। तो आप लोग इस ब्लॉग में सपोर्ट करना, और आप लोगों ने पानी देख ही लिया फिलहाल डैम में कितना तगड़ा भैया पानी आ रखा है। तो चलते फिर अब और इस ब्लॉग को एंड करता, आई होप आप लोगों ने आज के ब्लॉग में इन्जॉय किया, बाकी इन्जॉय करो तो प्यारा सा लाइक करें और एक प्यारा सा सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने से बता रहा हूँ। चलते हैं फिर, न्यू वीडियो कमिंग सून, बाय।